Hello, my dear students. Today I am going to tell you how to write an article on the given input in the form of pictures. किस तरह से आप जो pictures दी जाती हैं आपके question में उनसे या बेस्ड ऑन देम अकॉर्डिंग टू दोज पिक्चर्स हाउ वुड यू राइट द आर्टिकल. ओके, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी, कुछ तस्वीरें दी जाएंगी, उनसे आप आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं इसी वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ. ओके, देखिए is the question. Let me clear it. In India, the urban poor live in subhuman conditions in slums. भारत में अभी भी जो अर्बन एरियाज में है वहाँ का जो गरीब है वो सब ह्यूमन कंडीशंस में रहता, मानवीय कंडीशंस नहीं है जिनमें लोगों को रहना चाहिए. Write an article on possible steps to deal with slum in India. क्या possible steps उठाए जा सकते हैं जो slum जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको deal किया जाए, उन्हें जो है उन अच्छी life दी जाए बच्चों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को. You are Kundan Kashish, city reporter of a newspaper. You can take help from the following visuals. So with the help of visuals, I'm going to tell you how to write an article. First of all, you must see given visual with your attention so that you could recognize them. What is their identity? किस बारे में दिया है? ये देखिए झुग्गी झोपड़ियाँ, देखिए टीन पड़ी हुई हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, स्लम्स, चिल्ड्रन, पीपल, गार्बेज, डंप ऑफ गार्बेज, बच्चे भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कूड़ा भरा हुआ है बिल्कुल. तो स्लम एरिया की बात की जा रही है. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दीज विजुअल्स you are supposed to write an article. I have already told what the format of the article, my dear students. So let's start. The heading, this is the main heading, possible steps to deal with slums in India. आवश्यक कदम जो है स्लम को डील करने के लिए भारत में झुग्गी झोपड़ियों को. By Kashish, city reporter. Okay. When I had told the format of the article, then I had told how you are supposed to put your name with by. इस तरह से by करके आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, slums have constituted an integral part of India's urban landscape. भारतीय जो urban क्षेत्र हैं, इलाके हैं, areas हैं, वहाँ जो जो स्लम झुग्गी झोपड़ी हैं वो उसका बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गई हैं, रही हैं. मैनी पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन इन सर्च ऑफ बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज स्टे इन स्लम कॉलोनीज. जो गांव से आते हैं, गांव को छोड़कर जो माइग्रेशन माइग्रेट होकर आते हैं शहरों में, कस्बों में, अच्छे पैसे कमाने के लिए, टू पुट देयर बॉडी एंड सोल टुगेदर to survive their life, when they come in the search of opportunity, they don't have, good homes to live, so they live in these, slum colonies, stay in slum colonies, for the lack of a better alternative. कोई option उनके पास नहीं होता, they don't have sufficient money, they are not in position of living in good houses.
सो दे लिव इन स्लम कॉलोनीज। ओके, आई डिक्टेट टू और थ्री लाइन्स ऑफ वन लाइन सो दैट यू कुड बेटर अंडरस्टैंड एंड कैन पुट एनी वन आउट ऑफ देम। सम स्लम डोलर्स स्टे इन शैंटी स्ट्रक्चर्स इन एन अनहाइजेनिक एनवायरमेंट। बिल्कुल वो लोग रहते हैं स्लम डोलर्स निवासी जो झुग्गी झोपड़ियों के हैं, शैंटी स्ट्रक्चर बहुत घनी बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों में, अनहाइजेनिक एनवायरमेंट बहुत गंदा उनका वातावरण होता है, बहुत ही विषैला वातावरण होता है। एज फॉर्मल हाउसिंग इज अनअफोर्डेबल, फॉर्मल हाउस वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतना पैसा है नहीं। एंड मच बियॉन्ड देयर इनकम लेवल्स, दे अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी सो दे आर नॉट एबल टू लिव इन गुड हाउसेज और यू नो फॉर्मल हाउसेज। ओके, दे कांट अफोर्ड फॉर्मल हाउसेज ड्यू टू देयर लिमिटेड इनकम। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है स्लम्स में, रनिंग वाटर पानी नहीं है, सैनिटेशन इन दी स्लम्स, ना इन स्लम्स में किसी तरह का सफाई वगैरह है। ओके, नेक्स्ट पैरा, इन फर्स्ट पैरा वी हैव डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन्ड द कंडीशंस। नेक्स्ट, अफोर्डेबल लो कॉस्ट एंड प्लांट हाउसिंग विल कंट्रीब्यूट इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पर इसके जो है फर्स्ट पैरा में इसको एक्सप्लेन कर गया टॉपिक को मैंने, हम लोगों ने, अब क्या करेंगे नेक्स्ट पैरा। आई हैव टोल्ड यू दैट यू नो आर्टिकल मस्ट बी रिटन इन थ्री और फोर पैरा, एटलीस्ट तीन चार पैराग्राफ तो होने चाहिए। फर्स्ट में आप उस टॉपिक को डिस्कस करें, सेकेंड में आप जो है उसको रेमेडीज या वो बताएं या सजेशंस भी नेक्स्ट उसमें पैरा दे सकते हैं आप। अफोर्डेबल लो कॉस्ट एंड प्लांट हाउसिंग विल कंट्रीब्यूट इमेंसली इन दिस रिगार्ड। इनको कैसे अफोर्डेबल, कम पैसों में जो इनको उपलब्ध कराए जाने चाहिए लो कॉस्ट में, कॉस्ट में घर, दिस इन टर्न विल ब्रिंग अबाउट अ मार्क्ड एनवायरनमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द रेजिडेंट्स एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ पब्लिक हाइजीन। ऐसा करने से जो इम्प्रूवमेंट होगा उनकी हेल्थ में, उन्हें सफाई स्वच्छता मिलेगी, हाइजेनिक कंडीशंस उनकी सही होंगी, उनकी भी और रहने वालों के आसपास भी पब्लिक हाइजीन भी सब लोगों की ठीक होगी। ऐसा अगर किया जाता है तो, अगर घरों में अच्छे घर उनको प्रोवाइड कराए दिए जाते हैं तो कम पैसे में। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्लम पीपल। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पीपल हैं, दोज पीपल हु लिव इन स्लम एरियाज मस्ट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे कुड अर्न यू नो सफिशियंट अमाउंट एंड कुड लुक आफ्टर देयर फैमिली एंड ऑल्सो कुड अवेल यू नो फॉर्मल हाउसेज सर्विस, अच्छे घर ले सके, अच्छी सुविधाएं कर सके, सेटिस्फैक्ट्री सुविधाएं। वंस अ स्टेडी फ्लो ऑफ अर्निंग इज मेंटेन्ड रेदर देन एडहॉक मैनुअल वर्क, जो एडहॉक वर्क उनको दिया जाता है जिस दिन वो काम करने गए उसी दिन को पैसा दे दिया, बीमार है नहीं जा पाए, इफ दे आर सिक, इफ दे हैव एनी अदर प्रॉब्लम दे डोंट दे कांट गो ऑन वर्क, इट मीन्स ओनली वर्किंग डेज अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू देम, इट इज़ नॉट गुड। फ्लो ऑफ इनकम अर्निंग इज मेंटेन, रेगुलर पैसा आना चाहिए भले ही थोड़ा थोड़ा आए उनको। वन कैन होप फॉर अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर कोई चाहता है कि मुझे जिंदगी जीने का, एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त हो। फार बेटर देन दैट इन स्लम, इस झुग्गी झोपड़ी से बेहतर हर कोई जिंदगी अपनी चाहता है, क्वालिटी के साथ चाहिए वो, सभी सुविधाओं के साथ चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू हिज और हर चिल्ड्रन, एवरीबडी वांट्स टू बी यू नो
टू गो ऑन द बेड विद विदाउट एम्प्टी स्टमक. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज वेल टू प्रोवाइड गुड एटमोसफियर एनवायरमेंट टू दिस स्लम यू नो ड्वेलर्स. गुड अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू दैम. ओनली देन द स्लम्स यू नो कुड बी इरेडिकेटेड, तभी उनको जो है ख़त्म और हटाया जा सकता है. All these steps in conjunction with long-term steps to decentralize economic activities will help a great deal in the slum rehabilitation. I mean to say, all these steps that will be taken in the welfare of slum dwellers will, you know, upgrade their economic condition and they will be able to live like us or other people who live in regular formal houses, having all the facilities that are really essential for life. तब वो ऐसे रह सकते. तो इफ दिस लाइन इज हार्ड टू यू, तो देन यू कैन यूज दिस लाइन्स. ओके, यू कैन ऑल्सो एड अनदर पैराग्राफ, टू और थ्री पैराग्राफ शुड बी देयर. Two or four lines also could be put there. Their condition, their, you know, your suggestions also can be given there. Okay? Like आप इसको भी change करके एक और लिख सकते थे, slums are the stigma on our society and country as well. There should not be any place of slums in our country. Each and every person has its birthright to earn money, to work hard, to provide all the facilities to his children and to live a very comfortable and good life. Government and concerned authorities, NGOs must help them to provide them good life. Government should launch many schemes for those who are very poor to upgrade or maintain their life, to make their life good. Okay, so such types of lines also can also be added in next paragraph. उस पैरा में आप इस तरह से लाइन्स भी लिख सकते हैं. तो योर आर्टिकल शुड बी देयर इन थ्री और फोर पैराग्राफ्स एट लीस्ट. सिंस यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यू नो सीनियर क्लासेस, देन इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू राइट द आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स, हैविंग टू और थ्री पैराग्राफ और फोर पैराग्राफ्स. ओके, विजुअल्स दोबारा आप जो कर लीजिए. नाउ दे आर क्लियरली विजिबल, यू कुड रिकॉग्नाइज दीज विजुअल्स एंड कैन इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ लाइफ आर स्लम ड्वेलर्स लिविंग. ओके, थैंक यू. यू आर सपोज टू नोट और राइट दिस article on your English notebook. Okay, and send its pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. इसको नोट कीजिए. यू शुड यूज योर ऑन लाइन्स, अपनी लाइन्स यूज कीजिए. जो मैंने लाइन्स आपको अभी बताई वो कीजिए, अपनी कीजिए. ठीक है,
तो डिफरेंट फ्रॉम दीज लाइन्स यू आर सपोज टू राइट दिस आर्टिकल अगेन। दिस योर होमवर्क, दिस योर होम असाइनमेंट। ओके ओके ओके, थैंक यू। Have a nice day. God bless you, my dear students.